हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। फाइनली यहाँ पर AMD ने अपना जो है नया PC भेज दिया है। आपको याद होगा कि AMD ने अपनी 5000 सीरीज का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर AMD ने अपने नए प्रोसेसर्स लॉन्च किए थे, तो वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते थे। तो मैंने बोला चलो यार, आप लोग जो है मुझे फुल फ्लेज PC बना कर दीजिए, ताकि मैं अपने ऑडियंस को एक ये चीज़ दिखा सकूँ कि आपको यहाँ पर किस लेवल का परफॉर्मेंस 5000 सीरीज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर जो मुझे प्रोसेसर मिला है वो है AMD का Ryzen 950 900X, जो कि 12 कोर और 24 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। खैर, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और 5000 सीरीज़ की एक ये भी खासियत है कि ये गेमिंग में अपने कॉम्पिटिटर से मच बेटर है। कंटेंट क्रिएटर में तो खैर ऑलरेडी था, अब गेमिंग में भी AMD आगे हो गया है। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, चलते हैं इस PC को अनबॉक्स करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ये PC बनाया है AntPC.com वालों ने, जो कि यहाँ पर आपको जो है प्रीबिल्ड PCs भी प्रोवाइड करती हैं। तो AMD के साथ बेसिकली इनका कोलैबोरेशन हुआ है, ताकि आप लोग को ये चीज़ दिखाया जा सके कि AMD और AntPC मिलके आपको किस लेवल की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब चलते हैं इस PC को पहले अनबॉक्स करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को किस लेवल का परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो पैकेजिंग से रिलेटेड जो इन मंदों ने काम किया है ना, बहुत ही सॉलिड किया है। यहाँ पर जो आपको पैकेजिंग देखने को मिलती है भाई, वो फर्स्ट क्लास है। और जो यहाँ पर आप देख सकते हो कैबिनेट के अंदर जो इन लोगों ने काम किया है, वो ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर इन लोगों ने जो कैबिनेट लिया है ना, वो लियानली का रेजर एडिशन है, एक नंबर। आप देख सकते हो रेजर का लोगो भी यहाँ पर, अगर आप देखो तो दिखेगा रेजर का लोगो। बाकी जो यार, आप यहाँ पर इन लोगों ने अपना AntPC का भी एडिशन बनाया है। अब ये तो इन लोगों ने लगदाइट सी बात है लगाया ही होगा कि यार AntPC एडिशन ये भी है, नो नॉलेज। बट स्टिल आप देख सकते हो कैबिनेट के अंदर जो इन लोगों ने काम किया है ना, वो बहुत ही सॉलिड लग रहा है, बहुत ही क्लीन काम किया है। कोई भी लूज वायर्स या एक्स्ट्रा वायर्स देखने को नहीं मिलते। ओवरऑल जॉब जो यहाँ पर किया वो बढ़िया है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पर जो PC हम लोगों को मिला है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अब ये जाहिर सी बात है, ये एक हाई एंड PC है, प्लस इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बहुत हाई एंड है। कैबिनेट भी थोड़ा अच्छा वाला लगा है, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यूज़ करी गई हैं वो अच्छी क्वालिटी की, और जाहिर सी बात है प्राइस भी अच्छा है। वैसे ये PC, अगर आप भी सिमिलर PC खरीदना चाहते हो, अब डिपेंड करता है आपका क्या वर्क यूसेज है। आप चाहे गेमिंग के लिए PC खरीदना चाहते हो, या थोड़ा सा आप डेटा साइंस के लिए PC खरीदना चाहते हो, या वीडियो एडिटिंग के लिए PC खरीदना चाहते हो, डिपेंड करता है आपका यूज़ क्या है। आप हर मेल का PC AntPC.com से जाकर खरीद सकते हो। वही इनकेस अगर आपकी थोड़ी सी कस्टम रिक्वायरमेंट है ना, तो आप वहाँ पर आपको PC बिल्ड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग जाकर जो है पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो, और अपना खुद का एक कस्टम PC बिल्ड भी कर सकते हो। प्राइसिंग जो यहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट में देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। मैं आपको बता दूँ, AntPC जो वेबसाइट जो है ना, वो जो है एक्रो वालों की है, और एक्रो इंडिया का PC कंपोनेंट का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये लोग जो आपको प्राइस और जो वैल्यू ऑफर करते हैं वो इंडस्ट्री में सबसे कम और सबसे बढ़िया है। बाय द वे, जब यहाँ पर आप कोई भी PC खरीदते हो ना, तो यहाँ पर आपको 3 प्लान सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और प्रीमियम प्लस। स्टैंडर्ड में मतलब यहाँ पर आपको जो है लाइफ टाइम का इसका सपोर्ट होता है, मतलब कि यहाँ पर आपको जो है इनकेस अगर आपके PC में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनकी कस्टमर सर्विस पे जो है कॉल कर सकते हो, तो ये लोग आपको गाइड करेंगे कि जो है आपके PC पे क्या प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसका इस प्लान का कोई चार्ज नहीं होता है। प्रीमियम जो प्लान होता है वो 1 साल का होता है, मतलब 1 साल के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस आपके एंड पे ही सॉर्ट आउट हो सकती है, तो आपको वीडियो कॉल के थ्रू समझाया जाएगा। इनकेस अगर कोई कंपोनेंट फेलियर होता है या हार्डवेयर फेलियर होता है, तो आपको तब भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद आएंगे आपका PC सही करके दे जाएंगे। एक होता है प्रीमियम प्लस, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, वो 3 साल का पैकेज होता है, मतलब 3 साल के पीरियड के अंदर आपका कुछ भी खराबी हुई तो वो लोग आपका PC रिप्लेस करवाएंगे उस फॉल्टी पार्ट को, और आपका PC आपको चलाकर देंगे। बाय द वे, यहाँ पर आपको हर PC पे लगभग लाइफ टाइम का टेक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक्सेप्ट हार्डवेयर फेलियर,
ये लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे ओवर द फोन कॉल या वीडियो कॉल अगर पॉसिबल हुआ तो। तो ये हो गया हमारे एंड पीसी के बारे में। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर कूपन कोड यूज करते हो दिवाली 2020 तो यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। अब डिस्काउंट कितना होगा डिपेंड करता है वो आप प्रोडक्ट कौन सा ले रहे हो। अब आप में से जो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर मुझे टोटल कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मुझे मिलता है देखने को राइजन 9 5900X जो कि जो है 12 कोर और 24 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। MSI का यहाँ पर RTX 3070 ग्राफिक्स कार्ड लिया गया है। जहाँ पर आपको लियानली ओ कैबिनेट देखने को मिलता है जो कि रेजर एडिशन है। साथ ही में पावर सप्लाई यहाँ पर आपको जो देखने को मिलती है वो NZXT की तरफ से आती है। रैम यहाँ पर जी स्केल की आप देख सकते हो ट्राइडेंट यूज़ करी गई है, इसको मैं अभी ऑन करके दिखाऊंगा। और थोड़ा सा पीसी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर कस्टम केबल्स का भी यूज़ किया गया है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जो मैं पीसी देखने को मिला है वो बहुत ज़्यादा बीफी है और बहुत ही पावरफुल है। तो जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर पीसी ऑन करते हो आपको जो है ड्राइवर्स विंडोज़ और स्ट्रेस टेस्ट पहले से यहाँ पर हुआ मिलता है, तो आपका पीसी जो चलेगा ना यहाँ पर वो बहुत ही स्टेबल चलता है, कोई चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इन केस अगर कोई भी शुरू के 7 डेज में प्रॉब्लम होती है तो आप पूरा का पूरा पीसी जो है आप उनको डायरेक्ट शिप कर सकते हो, वो लोग अपने एंड पे मंगवा के प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको वापस से शिप कर देंगे। ये पॉलिसी मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी। नाउ हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने पीसी की तरफ, हम लोग ने इसे ऑन भी कर लिया है, बिल्कुल भना बन चल रहा है, सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं Ryzen 9 5900X आपको किस लेवल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग चलाते हैं यहाँ पर Cinebench R15, देखते हैं यहाँ पर आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मुझे पता है एक चीज़ ये देखने में अच्छा लगता है कि जब जो है Cinebench R15 चलता है और ये सारे हमारे थ्रेड्स ना बिल्कुल 100% पे चलते हैं, ये चीज़ देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हम लोग ने रन कर दिया, यह 2424 थ्रेड आप देख सकते हो कितने भना बन चल रहे हैं। यहाँ पर जो हमें सिनेबेंच स्कोर मिलता है वो है 3517 जो कि बढ़िया है, सुपर्ब है। इससे बेटर आप परफॉर्मेंस चाहते हो तो आप जो है Ryzen 9 5900X के साथ भी आ सकते हो, वो 16 कोर और 32 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, वो इससे और भी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, Ryzen की जो 5000 सीरीज़ है वो जाहिर सी बात है CPU पावर तो उसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर आप CPU हैवी टास्क करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो। ये तो Ryzen में हम लोग की मेंटालिटी है कि अगर आपको CPU पावर की ज़रूरत है तो आप Ryzen के साथ जाओ, लेकिन गेमिंग की जब भी बात आती है ना तो आदमी Ryzen को उतना प्रीफर नहीं करता था, लेकिन जो अब 5000 सीरीज़ आई है ये टू बी ऑनेस्ट गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब कि अपने कॉम्पिटिशन से अगर आप इसको कंपेयर करते हो ना, इसका जो कॉम्पिटिटर अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो यहाँ पर आपको उससे भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है गेमिंग में। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि AMD का Ryzen 5 5600 जैसा जो बजट सेगमेंट का प्रोसेसर है वो अपने कॉम्पिटिटर का फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर को आराम से बीट कर सकता है। आई होप आप समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यार 5900X का तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो तो अपने कंपटीशन से मच बेटर है। अब चाहे यहाँ पर आपको CPU हैवी टास्क करना हो, चाहे यहाँ पर आपको गेमिंग करनी हो, आपको कुछ भी करना हो, तो यहाँ पर आपको Ryzen बेस्ट वैल्यू भी प्रोवाइड करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है, कम पावर कंजम्पशन पे चलता है, कम CPU टेम्परेचर पे चलता है, आपको हर वो चीज़ ऑफर करता है जो अच्छी होती है। नाउ यहाँ पर अब एक काम करते हैं, हम लोग जो है थोड़े बहुत गेम्स खेलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें किस लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रहा है ना वो बहुत ही फाड़ है। एटलीस्ट Assassin's Creed Odyssey में तो आप देख सकते हो फ्रेम रेट जो है एज ऑफ नाउ बहुत ही स्टेबल चल रहे हैं, ज़्यादा आपको जो है फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रही है। और उसके पीछे जो मेन रीज़न है ना वो जाहिर सी बात है वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर मिल रहा है वो बहुत ही हैवी है। हालांकि मॉडर्न गेम्स जो है 12 कोर और 24 थ्रेड तो यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट स्टिल एक अच्छा स्टेबल परफॉर्मेंस ये आपको प्रोवाइड कर देता है। नाउ हम लोग ने Battlefield 5 को भी स्टार्ट कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैं एवरेज देखने को मिल रहा है ना अल्ट्रा सेटिंग पे वो लगभग 150 FPS का है, और आप देख सकते हो गेम जो हमारा चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। तो यहाँ पर जो मैं गेमिंग परफॉर्मेंस ये PC प्रोवाइड कर रहा है ना वो स्टिल काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पर हमें फ्रेम ड्रॉप तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, सवाल ही नहीं उठता यार यहाँ पर हमें कैसे फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप अपने लिए गेमिंग PC बनाना चाहते हो जो कि बहुत ही हाई एंड हो तो आप AMD के साथ भी आ सकते हो, गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो बहुत ही सॉलिड होगा। नेक्स्ट गेम हम लोग यहाँ पर जो चलाने वाले ना वो है Red Dead Redemption 2। इस गेम को हम लोग अल्ट्रा सेटिंग पर चलाने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पर हम लोग को किस लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है।
तो एट द एंड यहाँ पर जो हमारा पी सी है वो हमें बहुत ही अच्छी लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। वैसे ये वीडियो में ना मैंने थोड़ा सा इस पी सी को शोकेस करने के लिए बनाया था। डिटेल में अगर आप ये जानना चाहते हो कि राइजन आपको किस लेवल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, बाय द वे मेरे पास राइजन 5 5600 भी है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है उसके बेंचमार्क में तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। जैसा भी आप में से जो लोग चाहेंगे मैं उसी लेवल की आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ एंट पीसी का और एएमडी का, जिन्होंने हमें ये पीसी भेजा और जिसको कि हमने आज आप लोग को शोकेस किया। तो आप में से जो लोग antpc.com को चेक करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों इतने इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।